गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कंसेप्ट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होती क्या है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एक इस तरह की माइक्रोस्कोपी होती है जो कि यूज की जाती है क्या देखने के लिए, अनस्टेन्ड सैंपल्स। ठीक है गाइस, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इट इज अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी विच हैज टू बी यूज टू सी द अनस्टेन्ड सैंपल। ठीक है, ये आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। इसमें अगला पॉइंट है वो ये है कि इसमें क्या होता है, जो अनस्टेन्ड सैंपल होते हैं वो लिटिल ब्राइटर दिखते हैं। किसके अगेंस्ट में? डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट में। मतलब कि आप कह सकते हो कि इस माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, जो हमारा अनस्टेन्ड सैंपल्स होते हैं वो लिटिल ब्राइटर दिखाई देते हैं एज कम्पेयर टू डार्क बैकग्राउंड। अब बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। गाइज, इसका प्रिंसिपल आप काफ़ी ध्यान से लिखिएगा पेपर में, क्योंकि ये काफ़ी क्रूशियल रहता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। तो सबसे पहले बताता हूँ मैं कि इस माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि जो स्पेसिमेन है उसे देखने के लिए क्या होता है, लेंसर लेंस के नीचे क्या लगाया जाता है, ओपाक्यू डिस्क लगाया जाता है। ठीक है, ये ओपाक्यू डिस्क किस लिए लगाया जाता है? इससे क्या होता है कि जो हमारी लाइट है जो कि स्कैटर्ड हो रही है किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा, किस पर, स्लाइड पर, वो हमारी कहाँ पे पहुंच जाए, आई तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेसिमेन को देखने के लिए क्या करते हैं, हम ओपाक्यू डिस्क लगाते हैं। किसके अंडर में? कंडेंशन लेंस के अंडर में। जिससे क्या होता है, जो हमारी लाइट स्कैटर्ड हो रही है ऑब्जेक्ट के द्वारा स्लाइड पर, वो आंखों तक पहुंच जाए। ठीक है, एक पॉइंट आप ये लिखेंगे इसके प्रिंसिपल में। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि इसमें क्या होता है कि लाइट जो होती है वो हमारी स्पेसिमेन से ना आकर वो हमारी किससे रिफ्लेक्ट होती है, वो पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होती है जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, स्लाइड पर। ठीक है गाइस, ये इसका आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके डायग्राम के बारे में। तो देखिए, आप इसका डायग्राम इस तरह से बनाएंगे। अब मैं इसकी आपको लेबलिंग करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा होता है, वो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, इसके नीचे ये हमारा सैंपल रहता है। ठीक है, इसको हम कंडेंसर लेंस बोलते हैं। ये हमारा लाइट सोर्स हो गया, लाइट सोर्स। ठीक है, इसको हम ओपाक्यू लाइट स्टॉप बोलते हैं। और ये होता है हमारा सैंपल जो कि स्कैटर करता है क्या, सम लाइट, सैंपल स्कैटर, मतलब इस सैंपल से हमारी जो लाइट स्कैटर्ड हुई है वो है ये। ठीक है, सम लाइट। और ये जो रहता है वो हमारा रहता है क्या, डायरेक्ट इल्यूमिनेशन ब्लॉक, इसको बोलते हैं हम क्या, डायरेक्ट इल्यूमिनेशन ब्लॉक। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये डायग्राम पेपर में दे देंगे। ठीक है गाइस, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। ठीक है गाइस, तो ये जो माइक्रोस्कोपी है वो काफी इफेक्टिव है और वेल सिचुएटेड है। किसके यूज के लिए? जहां पे हमें लाइव और अनस्टेन्ड बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को यूज करना होता है, वहां पर ये हमारी माइक्रोस्कोपी काफी इफेक्टिव और सुटेबल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, मतलब कि दूसरा एडवांटेज है इस माइक्रोस्कोपी का, वो ये है कि इसको हम यूज कर सकते हैं कहाँ पे, रिसर्च में। किसकी? लाइव बैक्टीरियम की, मतलब लाइव बैक्टीरियम की रिसर्च में हम इस माइक्रोस्कोपी को यूज कर सकते हैं। और किस में यूज कर सकते हैं हम? माउंटेड सेल और टिश्यू में, एज वेल एज फॉर माउंटेड सेल एंड टिश्यू, ये भी इसका एडवांटेज है। तीसरा इसका एडवांटेज है वो ये है कि इस माइक्रोस्कोपी से हम क्या कर सकते हैं, डिटेल्ड व्यू देख सकते हैं एक्सटर्नल फीचर्स का, मतलब बाहरी चीजों का हम डिटेल व्यू देख सकते हैं इस माइक्रोस्कोपी से, मतलब कि हमारी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से। ठीक है, और इस माइक्रोस्कोपी में हम जब फ्लोरोसेंट डाई ऐड करते हैं तो क्या होता है, इससे हमारी जो इन एबिलिटी होती है देखने की स्पेसिमेन को, वो बढ़ जाती है। ये इसका चौथा एडवांटेज हो गया। आई होप ये चारों एडवांटेज आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसमें एक और चीज है, वो इसके डिसएडवांटेज। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। देखिए, जब जैसे कि पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये जब अच्छी रहती है जब हमारा रूम पूरी तरह डार्क हो। ठीक है, दूसरा इसका डिसएडवांटेज है वो ये है
कि इस माइक्रोस्कोपी में हमें क्या होता है, इंटेंस अमाउंट में लाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। कहाँ से? माइक्रोस्कोप से। मतलब कि माइक्रोस्कोप में हमें इंटेंस अमाउंट की लाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, जिससे कि हमारा माइक्रोस्कोप वर्क कर सके। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज होता है। तीसरा इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये नॉन रिलायबल टूल होता है। किसके लिए? हमें एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए, मतलब कि हम इससे एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। इसके कई सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है इसको हम यूज करते हैं किस लिए, डायग्नोस करने के लिए। किसको? सिफिलिस को, मतलब कि ये बीमारी है उसको हम इससे डायग्नोस कर सकते हैं। इस माइक्रोस्कोपी से हम ब्लड सेल को देख सकते हैं। अगला एप्लीकेशन है, इससे हम देख सकते हैं क्या, बैक्टीरिया को भी, ठीक है। और हम इस माइक्रोस्कोपी से किस चीज को सी कर मतलब देख सकते हैं, वो देख सकते हैं हम एल्गी को। लास्ट इसका जो एप्लीकेशन है वो है कि इससे हम क्या चीज व्यू कर सकते हैं, डायमंड और कई सारे प्रीशियस स्टोन्स भी, ठीक है गाइस। तो ये इसकी पांच एप्लीकेशंस हो गई। ये बात होगी हमारी किसके बारे में, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें आपकी डेफिनेशन क्या रहेगी, क्या प्रिंसिपल रहेगा, क्या डायग्राम रहेगा, क्या इसका एडवांटेज रहेगा, क्या डिसएडवांटेज और क्या एप्लीकेशन रहेगी, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के डिफरेंस के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा उसमें अल्ट्रा वायलेट माइक्रोस्कोपी क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, मतलब उसके बारे में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।